वही बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे मंत्री कल्पा गुर्जर ने कहा है कि इस बार वन विभाग ने इस सीजन में 2 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा है, जिसमें 70 लाख पौधे संस्थानों, स्कूलों और एनजीओ को दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने प्रशिक्षण शिविर की खूबियों के अलावा शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और संस्कृति, मॉडल स्कूल में अध्यापकों की कमी को जल्द ही नई भर्तियों के माध्यम से दूर करने की बात भी कही। तो नई भर्तियों को जल्द करना जरूरी है। देखिए, पिछले 3 साल से हमारा पूरा प्रयास है कि जहाँ पर भी जगह खाली है गांव में, हमने पिछली बार 1100 गांव लिए थे और पिछले साल हमने 2200 गांव लिए थे, अब की बार सारे गांव हरियाणा के। तो जहाँ जहाँ भी जगह खाली है तो उस जगह पे भी पेड़ लगाना, जैसे शमशान घाट है, मंदिर है, उसमें भी लगाना। और अब की बार जो हमारा टारगेट है वो 2 करोड़ पेड़ लगाने का है फॉरेस्ट का, और 70 लाख पेड़ जो है हम अन्य संस्थाओं को, जैसे मान लीजिए स्कूल के बच्चे लगाना चाहते हैं तो हम उनको देंगे, कोई और एनजीओ है वो लगाना चाहता है हम उसको भी देंगे, और लगभग इतने लोग आ जाते हैं तो 70 लाख पेड़ वो लगाएंगे और 2 लाख पेड़ हम लगाएंगे। अब पहले 22 स्कूल थे पूरे हरियाणा में, एक जिले में एक, और अभी हमने पिछले साल में हमने 116 और खोल दिए। तो स्वाभाविक है कि 22 को अगर 116 करोगे तो समस्याएँ तो आएंगी, और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 का टारगेट दे दिया, अब 500 करेंगे तो स्वाभाविक है कि समस्या आएगी। लेकिन हम प्रयासरत हैं, अभी हमने जो रिटायर्ड टीचर हैं जो हमारे यहाँ से रिटायर्ड है उनको भी हमने रखा, जो गेस्ट टीचर हैं वो भी रखा, जो मान्यता प्राप्त दूसरे स्कूल थे जहाँ हम अब एड पे थे, जो स्कूल सरकार के की तरफ से टीचर रखे थे उनको भी हमने रखा। तो हम उन सारे टीचरों को उस टाइम के लिए हायर कर रहे हैं, उनको ले रहे हैं, और वो शिक्षकों की जो कमी है उसको पूरा करने में बड़ा भारी उससे मदद मिलेगी। जो मैंने कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, पर मैं ये कह रहा कि बिल्कुल मुक्त नहीं हमने कर दिया, हमारा प्रयास है, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में संभव है कि होगा, हमने उसको कम किया, लेकिन मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया कि हमने समाप्त कर दिया। अभी हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसा आपने अभी कहा है किसी के भी बारे में, अगर उस प्रकार की कोई कंप्लेंट हमारे पास आती है